देखिए थाना रबुपुरा में गांव है रामपुर बांगर, उस दिन 29 तारीख को वहां पर रात्रि 8 बजे के आसपास दो भाई अपने कुछ साथियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, रबुपुरा कस्बे से अपना काम करके वापस जा रहे थे। उनके ऊपर चारों तरफ से घेर करके उनके ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल लाया गया वहां पर उनकी दौरान इलाज डेथ हो गई। इसमें हम लोगों ने इमीडिएटली जो भी विधिक कार्रवाई थी की गई, FIR दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद उसमें 8 मुलजिम थे। रघुपुरा की टीम, CO साहब, सब लोगों ने मिलकर के इन 8 व्यक्तियों को राउंड अप किया है। सभी 8 गिरफ्तार किए गए हैं और उस शूटआउट में जो असलहे थे सभी असलहे बरामद हुए हैं और इसमें इनको हम आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रंजिश की मतलब क्या थी जो इनमें? देखिए, इनके बीच में पुरानी रंजिश रही है। पहले भी इन लोगों के बीच में एक झगड़ा हुआ था, बरसों पुराना झगड़ा था। उसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता था। इसमें कार्रवाई भी हुई है और उसके पश्चात भी ये लोग उस दिन उन दोनों भाइयों को घेर करके उनकी हत्या कर दी थी। गया कि जैसे ये दोनों भाई अपने कुछ और रिलेटिव्स के साथ, कजिन्स के साथ रबुपुरा से वापस जा रहे थे और रास्ते में जहाँ पे इन अभियुक्तों का घर है वहीं पर जो एक बैलगाड़ी होती है उस बैलगाड़ी को रास्ते में लगाकर उनकी गाड़ी को रोका गया और अंधाधुन अटैक किया गया। इन लोग अंधाधुन गोलीबारी की गई जिसमें इन दोनों की बाद में तोरानी लास्ट डेथ हो गई। बोल रहे हैं जिस तरह से, नहीं अभी तक इस तरह से किसी गैंग से कोई कनेक्शन निकल के नहीं आया है, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी इसमें क्या चीज क्या है। पीड़ित पक्ष को सुरक्षा दी गई है। उन लोगों ने कुछ इस तरह की संभावना व्यक्त की थी कि झगड़े होने की संभावना है, तो हम लोगों ने उनको सुरक्षा दी है। उनके घर की सुरक्षा की जा रही है। हम लोगों ने PAC भी लगाया है गांव में और जो एक इसमें मुख्य जो पीड़ित पक्ष के हैं उनको भी हम लोगों ने घर दिया है।